नमस्कार, मैं हूं कविता। टीम इंडिया के मौजूदा दौर में स्पिन की एक नई जोड़ी ने जन्म ले लिया है और इस नई जोड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचा रखा है। इस नई जोड़ी के दो नायाब हीरे कुलदीप यादव और चहल ने बीते दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसी गेंदबाजी की है जैसे हर गेंद मानो केवल विकेट लेने के लिए ही फेंकी जा रही हो। लेकिन आज हम आपको भारत के पहले चाइनामैन के बारे में एक ऐसा किस्सा बताएंगे जब एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपने गेंदबाज से उन्हें घायल करने के लिए बोल दिया था। जी हाँ, कुलदीप यादव ने एक टॉक शो के दौरान इस बात का खुलासा किया है। दरअसल बात साल 2017 की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में टेस्ट मैच खेला जाना था और कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट से डेब्यू भी किया था। अपने पहले मैच में ही कुलदीप ने 4 विकेट लेकर कंगारू खेमे में खलबली मचा दी थी। और इसी मैच का जिक्र करते हुए कुलदीप ने बताया कि जब मैं बल्लेबाजी के दौरान क्रीज पर पहुंचा तो कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने तेज गेंदबाज पैट कमिंस से कहा कि वो कुलदीप की रिब्स पर गेंद डाले और उसकी पसलियों को तोड़ दे ताकि वो अगली इनिंग्स में गेंदबाजी नहीं कर सके। कमिंस से अपने कप्तान के कहे अनुसार गेंदबाजी की, लेकिन कुलदीप ने शॉर्ट गेंदों से खुद को और अपने विकेट दोनों को बचाए रखा। कुलदीप ने इस पारी में 10 रन भी बनाए और बाद में उन्हें नेथन लायन ने आउट किया। टीम इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।